सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मूर्खेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्य स्वामी देवीदास जी भगवान जी के चरणों में हम बच्चों का कोटिश कोटिश शांत दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद से हम सत्संग आरंभ करने जा रहे हैं। आप जी के चरणों में करवत विनती है, हे प्रभु इस सत्संग में जो बुलवाएं आप ही बुलवाएं, जो ज्ञान दे अबोध बच्चों को हे प्रभु भी ज्ञान दे, और आप जी ऐसी कृपा करें हम पर कि आप जी के दिए हुए ये ज्ञान हम अपने हृदय में उतार ले, अपने मानस पटल में उतार ले, हमारी बुद्धि में आप जी के दिए हुए महान ज्ञान समझ आ जाए, और आप इस ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें, अपना जीवन को चलाएं। हे नाथ, अनाथों के नाथ, महादानी परम योगेश्वर रामलाल महाप्रभु मूर्खेश्वर भगवान सहस्त्र देवदयाल भगवान, हम आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद और प्रसन्नता की पात्र बने। हे प्रभु ऐसी दया करना करना। हे नाथ, आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम बारंबार। हे भगवान की नित प्रति महाराज जी की कृपा करना आशीर्वाद से हम लोग जो महाराज जी ने अपने जीवन काल में हम बच्चों को अथाह व्यवहारिक ज्ञान दिए, हम हर रोज उन ज्ञान की चर्चा करते हैं, और महाराज जी ने जो सूक्ष्म शब्दों में चंद शब्दों में हमें ज्ञान दिए, और जिन ज्ञान के अंदर अथाह ज्ञान का भार भरा हुआ है, वो सब महाराज जी पिछले दिनों के सत्संग में बोलते आए हैं, और एक एक वाक्य में जो भी महाराज ने ज्ञान दिए उन ज्ञान को महाराज जी ने इस सत्संग में हमें विस्तार रूप से खोल के बताया, विस्तार रूप से उस एक वाक्य के ज्ञान को हमें महाराज जी ने समझाया, और हम बच्चों को बहुत आसानी से महाराज जी कृपा करुणा आशीर्वाद से वो ज्ञान समझ आ गई, और हमारा जीवन उत्साह आनंद से भरपूर रहने लगा, हमारा जीवन सुख से भरपूर रहने लगा, हमारा जीवन सफल होने लगा। इसलिए हम अपने गुरुदेव के चरणों का बारंबार शुक्राना करते हैं, और ये ज्ञान गुरुदेव जी के दिए हुए ज्ञान को जब हम अनुभूत करते हैं, उन ज्ञान का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम दिन दुगुनी रात दुगुनी होने लगती है। ये गुरु के चरणों का प्रेम ही है जिसके कारण हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार के कारण जो भी कष्ट आते हैं पहाड़ जैसे कष्ट राई बनकर रह जाते हैं, ये केवल गुरुदेव ही अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से ऐसा करते हैं। गुरुदेव हर हमारे रक्षा करते रहते हैं। आज जैसे मैं आ रही थी हॉस्पिटल से एक बच्चे को देख के, और आश्रम के गेट के बाहर एक्टिवा टर्न लेने लगी तो बैलेंसिंग बिगड़ने के कारण मैं नीचे गिर गई, एक्टिवा मेरे ऊपर, और आराम से मैं उठ गई, लोगों ने एक्टिवा को उठाया, और मुझे प्रभु की कृपा से एक रत्ती भर भी चोट नहीं आई, ना दर्दे हैं। इस घटना को प्रभु जी ने एक दिन पहले अंजना को ध्यान में अनुभूत करा दिया था। आज आने लगी प्रभु जी ने बहुत बड़े कष्ट से बचाया,
मैंने कहा वो कैसे? कि एक दिन पहले यहां भंडारा था, संडे की बात है, और कुछ भक्तों के मैं प्रसाद वगैरह दे रही थी। उस समय महाराज जी ने अचानक अंजना को अनुभूत कराया कि दमयंती के जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। उस समय अंजू ने प्रभु जी के चरण प्रार्थना करी कि प्रभु जी कृपा करो, दीदी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप दीदी की रक्षा करें। ये बात अंजू को परसों अनुभूत हुई, इसे मेरे को नहीं बताया। आज जब ये घटना हुई, अंजू कहने लगी ये प्रभु जी ने आपको बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट था और प्रभु जी ने आपका पहाड़ का राई बना दिया, इसका नाम गुरु है। क्योंकि गुरु के सत्संग का हमारे आत्मा में ना प्रभाव पड़ रहा है, हर पल पल ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमारे अंग संग है। जैसे मैं यहां से गई मत्था टेक के 11 बजे, यही प्रार्थना करी गई कि प्रभु कृपा करना, जैसे आते हैं आकर फिर शुक्राना करते, ये प्रभु आप जी का लख लख शुक्राना, आप जी के चरणों में सुरक्षित वापिस आ गए। तो इस प्रकार हमारे अंदर हमारा अंतःकरण गुरु की भक्ति में ओतप्रोत रहता है, तो गुरु दिव्य स्वरूप में शिष्य के अंतर आत्मा में विराजमान होते हैं। तो ये गुरु की शक्ति है जिन्होंने मेरे को भी बचाया, और मेरे 1 घंटे के बाद संदीप को जो एक्सीडेंट हुआ, संदीप को प्रभु जी ने बचाया, ये सब गुरु ही हमारे रक्षक है। क्योंकि ये बच्चा भी पिछले 2 महीने 2-3 महीने से लगातार ये सत्संग का आनंद ले रहा है, और जो भी सत्संग का आनंद लेता है उस पर प्रभु की क्या बरसती है। क्योंकि ये सत्संग केवल गुरुओं के नाम का है, इस सत्संग में गुरुओं की गाथाएं गाई जाती है, नन्हे नन्हे बच्चे गुरु के नाम पर इतने सुंदर सुंदर भजन बोलते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे गुरु के बारे में गुरु की इतनी सुंदर सुंदर अलौकिक गाथाएं गाते हैं, अलौकिक घटनाएं वर्णन करते हैं, और हम लोग सुनकर गदगद हो जाते हैं गुरु के प्रेम में। इसके अतिरिक्त भगत के जीवन में गुरुदेव जो भी अलौकिक घटनाएं घटित करते हैं वो भगत बोलते हैं, और गुरु की महिमा गाना एक महान पुण्य का कर्म है। गुरु की सेवा ये गुरु की महान सेवा है, गुरु की पूजा करना, गुरु से प्रेम करना, गुरुदेव की भक्ति करना सबसे बड़ी भक्ति है। गुरु की पूजा सबसे बड़ी, जो गुरु की पूजा करता है, गुरु की भक्ति करता है, देवी देवता भी ऐसी आत्माओं की वंदन करते हैं, और ऐसी आत्माओं की रक्षा सहायता में देवी देवता भी खड़े रहते हैं, उनके हर कार्य देवी देवता करते हैं। इसलिए गुरु की शक्ति सर्वोपरि है, और एक गुरु ही संसार में सामर्थ्यवान है, गुरु से सामर्थ्यवान कोई नहीं। हमारे देवीदल महाराज जी, इनकी अपनी तप साधना त्याग की अपनी शक्ति है, अपनी गुरु शक्ति, अपनी आत्म शक्ति है, और अपनी गुरु तत्व को उन्होंने अपने गुरुदेव की कृपा करना शिवा से, अपने प्रयास से, अपने श्रद्धा से, तप से, साधना से उन्होंने उस गुरु तत्व को जगाया, और मुल्केश्वर भगवान का आशीर्वाद पाकर मुल्केश्वर भगवान की शक्ति को भी उन्होंने प्राप्त कर ली, और मुल्केश्वर भगवान के अंदर महाप्रभु रामलाल जी की शक्ति है, वो रामलाल जी की शक्ति भी हमारे देवीदास प्रभु जी ने प्राप्त करी। यानी कि देवीदास प्रभु जी 3 शक्तियों के मालिक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा के अवतार महाप्रभु रामलाल जी और महेश के अवतार हमारे योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान, और विष्णु के अवतार हमारे सदगुरु स्वयं स्वामी देवीदास जी महाराज। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इस शक्ति के मालिक है। इन्होंने नर चोला लेकर केवल हमारा, हम बच्चों को योग मार्ग सिखाकर हमारा कल्याण किया, आज भी हमारा कल्याण, और आज भी महाराज जी के दिखाए हुए इस योग मार्ग को अपनाते हैं, तो आज महाराज जी के हम पूर्ण प्रसन्नता और पूर्ण कृपा को पा सकते हैं। ये सत्संग का ध्येय है
कि गुरु की रहमत को प्राप्त करो, गुरु से प्रेम करो, गुरु की भक्ति करो, गुरु दरबार की सेवा करो और गुरु के देख गुरु के सिखाए हुए योग साधना योग अभ्यास करो, तभी हमारा आत्मा का और हमारा मानव जीवन। आज का जो सत्संग है, आज के सत्संग में महाराज जी ने एक ही बात बताई कि सुख दुख और जन्म मरण योग्य एक शब्द मात्र है और अज्ञानियों के लिए सुख दुख भी है और जन्म मरण भी है। योगी के लिए ना सुख है ना दुख है, ना जन्म है ना मरण है, क्योंकि अज्ञानी है वो योग मार्ग से अवगत है, जो ज्ञानी है आरूढ़ है। जो योग मार्ग से भटका है वो भोग मार्ग में है। अज्ञानी भोग मार्ग में होते हैं, अज्ञान का जीवन भोगमय होता है, इसीलिए अज्ञानी को दुख भी है, जन्म भी है और मरण भी। परंतु योगी हर पल एक सम भाव में रहता है, योगी एक युक्त अवस्था में रहता है, जिसको योग युक्त अवस्था, युक्त का मतलब एक होना, योगी अवस्था में रहता है। तो इसलिए योगी को योगी ना सुख में खुश होता है ना दुख में वो विचलित होता है, क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं कि योग क्या है। योग आया व्याकरण की युज धातु, युज का मतलब जोड़ना, एक और एक को जोड़ दो, युज धातु। युज धातु से योग आया, जिस एक होना, जोड़ना या मिलना, दो में दुख, वियोग में दुख है, योग में सुख है। इसलिए कहा गया है कि योग ही जीवन और वियोग मृत्यु, दुख कला क्लेश, और जीवन का मतलब सुख आनंद प्रेम। तो योग ही जीवन वियोग मृत्यु, योग में दुख ही दुख है, योग में सुख ही सुख है। तो ये योग का अर्थ क्या है, विस्तार मतलब क्या है, योग एक सर्वव्यापकता का नाम है और भोग एक सीमा का नाम है, एक सीमित दायरा का नाम है। भोगी संसारिक वस्तुओं में रहता है, संसार के भोग भोगता है, योगी संसारिक भोगों से दूर हटकर अपने दिव्यता में रहता है, सूक्ष्मता में रहता है, सर्वव्यापकता में रहता है और अपने व्यापक रूपी विचरण करके ब्रह्मानंद रस पान करता है, परम आनंद रस का पान करता है योगी। और योगी ईश्वर में अभेद रहता है, हर पल योगी जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को अनुभव करता है, इसी का नाम योग है। जिसने जिस अभ्यासी ने जीवात्मा और परमात्मा का मिलन को अनुभूत कर लिया, वो इतने आनंद में उसको ना सुख जगती है और ना दुख विचलित करता है, सुख से भी विचलित नहीं रहता वो और दुख से विचलित नहीं रहता, क्योंकि ईश्वरीय आनंद चीज ऐसी है कि जो अभ्यासी को एक स्थिर अवस्था का दान प्रदान करता है, एक सम अवस्था, एक शांत अवस्था का दान प्रदान करता है, ये योग अभ्यास। इसीलिए ना वो सुख में विचलित होता है ना दुख में विचलित होता है, उसके लिए ना जन्म है ना मरण है, क्योंकि योगी को
योग अभ्यास के द्वारा अपनी आत्मा का अनुभूत हो जाता है, आत्मा की अनुभूति हो जाती है। आत्मा निर्लेप है, आत्मा सुख दुख द्वंद से रहित है, आत्मा जन्म मृत्यु से परे है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। इसीलिए योगी को इस बात का बोध हो जाता है कि जन्म मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। जन्म है तो नाश देखो है, मृत्यु है तो नाश का देखो है, परंतु जन्म मरण से परे है, आत्मा सुख और दुख से परे है। योगी और आत्मा सर्वव्यापक है। योगी इस सर्वव्यापक आत्मा के साथ अभेद रहता है। इसलिए योगी के लिए सुख दुख जीवन मरण केवल शब्द मात्र है। योगी इन बातों से मिले सुख दुख और जन्म मरण केवल अज्ञानी के लिए। महाराज जी फरमाते हैं, जन्म क्या है? जब पांच तत्वों के बने हुए देह में आत्मा प्रवेश कर जाती है उसको जन्म कहते हैं। और पांच तत्वों के इस देह को जब ये धज्जर हो जाता है, आत्मा उस देह को छोड़ देती है। जैसे हम पुराना कपड़ा को करके नए कपड़े पहन लेते हैं, पुराना कपड़ा त्यागने में हमें बड़ा आनंद आता है और नए कपड़े पहनने में भी बड़ा आनंद आता है। तो योगी का जब शरीर आता है, वो आत्मा, योगी आत्मा पुराने चोले को त्याग देती है और उसको अपना अगला चोला, नया चोला नजर आता है और हंसता हंसता पुराने चोले को त्यागता है और हंसता हंसता नए चोले में प्रवेश कर जाता है। या उसकी इच्छा हो तो जन्म मृत्यु से परे वो मोक्ष पद में जा पहुंचता है। जब इच्छा होती है इसी को अवतार कहते हैं। परंतु जो मोक्षी आत्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अपनी इच्छा से पंच तत्वों से बने हुए घर में प्रवेश करते हैं, उसको अवतार कहते हैं। हम वहां पर रामलाल जी की अवतार दिवस मनाते हैं, उनके भगवान की अवतार दिवस मनाते हैं और देवीदास भगवान की अवतार दिवस मना। और जब जो एक साधारण जीव जब चोला को छोड़ देता है, हम कहते हैं मृत्यु हो गई, वो अपने कर्मों को छोड़ता है। जितने श्वास उतने श्वास पूरे होने के बाद उस आत्मा के द्वारा वो देह छूट जाती है, कर्मों के कारण छोड़ता है, उसको मरण कहते हैं। परंतु योगी अपने संकल्प से चला चोला छोड़ता है। हम योगी के योगी ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने अपने आत्मा को ब्रह्म में लीन कर लिया। महाराज ने फरमाए कि हम तो भगवान के भेजे दूत, हम अपने कार्य करने के लिए आए हैं, अपने कार्य करने के लिए आए हैं। जब ये कार्य समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हम ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। स्वयं तो मुझको कहा, इस शरीर को कहा, हम ब्रह्मलोक से आए हैं, ईश्वरीय कार्य करके हम ब्रह्मलोक में विलीन हो जाएंगे। ये महाराज जी ने स्वयं अपने श्री मुख से फरमाया। तो योगी अवतार लेते हैं और अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। योगी इच्छाधारी होते हैं, योगी का संकल्प में संसार होता है। योगी जो संकल्प करते हैं वही पूर्ण करते हैं, संकल्प आज पूर्ण होता है, क्योंकि जनों की दासी होती है। 33 कोटि देवी देवता योगी की पूजा करते हैं, योगी के चरणों की सेवा करते हैं। मैंने स्वयं देखा रामनवमी के उत्सव में, जब महाराज जी एक एक मास के लिए इस शरीर को अपने चरणों की सेवा के लिए हरिद्वार नगरी ले जाया करते थे, मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से इंद्र भगवान को सेवा करते, सूरज भगवान, पवन भगवान, वरुण देवता,
सभी देव देवता को मैंने हथवा के मंदिर के आंदे देखा। और तो और क्या, नारद मुनि वहां पर उल्केश्वर भगवान की जब सवारी निकली थी राम नाम क्षेत्र में अष्टकोटी राम नाम महोत्सव में सन 1954 की बात है, नारद मुनि स्वयं उस सवारी में नृत्य कर रहे थे और उल्केश्वर भगवान ने देवीधर भगवान को बताया, देवीधर भगवान ने ये कौन सा भगत है, जब से स्टेशन से आपकी सवारी निकली और पंडाल में पहुंचने तक ये अंतक डांस ही करे जा रहे हैं। तो मुखरा जी मुस्कुरा दिए, कहते बेटा ये नारद मुनि ये योगी की सवारी को देखकर प्रसन्नमय हो रहा है और प्रसन्नता से नाच रहा है और पंडाल में जाते ही अदृश्य हो जाएगा। देवीधर प्रभु जी ने स्वयं देखा, इतना डांस किया उसने, उसने एक माँ ने, और पंडाल में वो महात्मा अदृश्य हो गए। ये प्रभु जी ने प्रभु नृपेश्वर भगवान ने देवीधर भगवान को फरमाया, देवीधर प्रभु जी ने हमें बताया कि ऐसे नारद मुनि डांस, यानी कि योग एक ऐसी महान ईश्वरीय कला है कि योगी को योग साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। ईश्वर के साथ व्याप्त अभेद हो जाता है, इसका नाम योग है। और इस अवस्था में और इसको युक्ति कहते हैं, एक युक्ति, युक्ति का युक्त होना, एक युक्ति की अवस्था है और इस कला का नाम है योग युक्ति। योग युक्ति में चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, यानी कि चित्त की वृत्तियां संसारिक सभी इच्छाएं कामनाएं वासनाएं त्याग देती है। और यह अवस्था सभी पतंजलि ऋषि ने योग की परिभाषा क्या बताई, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति को निरोध करने का नाम ही योग है। और चित्त की वृत्तियां निरोध यानी इच्छाओं से विमुख कब होती है, जब वो हम अंतर की ले जागृत करते हैं। उसके लिए मैं प्राणायाम का उच्च कोटि का साधन बताया और इस कार्य में सफलता हमें तब मिले है जब सतगुरु की कृपा हो जाती है। किसी को योग विद्या न आई है आज तक, इसीलिए गुरु आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कबीर ने कहा ना, गुरु गोविंद खड़े ताके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए, यानी के गुरु मैं आपके चरणों में बलिहारी जाता हूँ, आपने मुझे गोविंद के साथ भगवान के साथ साक्षात्कार कराया। ये केवल गुरु अपनी कृपा से ही करा सकते हैं। लेकिन लोग वर्षों तक ध्यान समाधि बैठे रहते हैं, तो इसलिए आज के प्रवचन में मैंने फरमाया कि जो योग नहीं करता उसका मन स्थिर नहीं रह सकता, और जिसका मन स्थिर में एकाग्रित नहीं है उसका मन दुखी रहता है, कभी दुखी कभी सुखी। और जो योग नहीं करता उसी अज्ञानी कहा गया। तभी आज के प्रवचन में महाराज ने एक सारा ज्ञान दे दिया, सुख दुख केवल अज्ञानी के लिए, क्योंकि अज्ञानी ने योग करा नहीं, उसको आत्मज्ञान है नहीं, वो देह को ही सब कुछ मानता है और देह छूट जाता है, कहता है देह मर गया, तो मरण तो अज्ञानी के लिए हुआ। और एक देह ने जन्म ले लिया तो अज्ञानी कहता है जन्म हो गया इसका। यानी कि आज के प्रवचन का जो सार है, जन्म मरण सुख दुख केवल अज्ञानी के लिए। और महाराज जी फरमाते हैं कि योग कला कहने या सुनने या लिखने की ये नहीं है, योग एक ऐसी महान विलक्षण विचित्र और चमत्कारी विद्या है जिस विद्या के द्वारा अभ्यासी ब्रह्मांड को खोज लेता है और ब्रह्मांड को इस बात का ज्ञान हो जाता है जो ब्रह्मांड
एक मिनट आ जाओ, जो पिंड तो ब्रह्मांडे जो खोजे तो जो पिंड में है ब्रह्मांड में है, पर जो खोजता है तो वही पाता है। और महाराज फरमाता है कि योग को आप अपनी अकल से नहीं जान सकते, यानी कि परमात्मा को अकल से नहीं पा सकते हो। परमात्मा को पाने के लिए अनुभवी गुरु का आशीर्वाद, गुरु की सेवा, गुरु का सत्संग, गुरु का ध्यान अत्यंत आवश्यक, तभी हम पिता परमेश्वर के साथ एक होते हैं और परम पिता परमेश्वर हम पा सकते हैं। योग प्रवचन के द्वारा भी दिखा सकते हैं, योग को हम किताबों भी समझा सकते हैं। योग एक अनुभवी करने वाला ज्ञान है जो केवल सतगुरु अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से को करा देते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि योग एक परिपूर्ण गुरु की एक अनमोल दात है जो गुरु शिष्य को देते हैं। इसीलिए और ईश्वर से मिलाते हैं, मिलाकर परम आनंद देते हैं और वो आनंद शिष्य के साथ सदा सदा के लिए रहता है। कहते हैं कि शिष्य का जो उपकार है वो गुरु के लिए, गुरु का जो उपकार है शिष्य के लिए आधा होता है। और योग रूपी ज्ञान के द्वारा गुरु शिष्य के आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा होता है वो पर्दे को गुरु हटा देते हैं और चित्त को इतना चिन्मय बना देते हैं ब्रह्म, और चित्त ब्रह्ममय हो जाता है। इतना ब्रह्म के ध्यान में स्वयं ब्रह्ममय हो जाए, मन से जो करे गुरु सेवा मन लाए, ब्रह्म रूप के ध्यान में स्वयं ब्रह्म हो जाए। तन से मन से जो गुरु की सेवा करता है वो ब्रह्म के रूप के ध्यान में स्वयं ब्रह्म बन जाए। स्वयं ब्रह्म बनाने वाले केवल एक सतगुरु है, तो इसीलिए सतगुरु की कृपा करुणा आशीर्वाद से हमें जब योग साधना जाती है तो उसी समय हम और परमात्मा के मिलन को अनुभूत करते हैं। इसी का नाम योग है। और जो योग इस योग विद्या को पा लेता है वही उसी के लिए सुख दुख जन्म मरण कोई मायने नहीं रखती, वो इनसे ऊपर होता है। गुरुदेव की लास्ट एक ही बात के साथ हम समाप्त करेंगे कि योग को जीवन में हम एक प्रमुख अंग बना लें, क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं एक तो योग करके आप गंध से ऊपर हो जाओगे, जन्म मरण सुख दुख। दूसरी बात है महाराज जी फरमाते हैं योग सुनना, योग पढ़ना, योग ना ईश्वर की मोहब्बत है, वो मोहब्बत नित्य प्रति जीव के अंदर रहती है और इस मोहब्बत को ईश्वर की मोहब्बत को योग साधना से प्राप्त कर सकते हैं। और योगी का जो लक्ष्य है इसी सर्वव्यापक शक्ति को शक्ति का आत्मसात करना, यही योग का लक्ष्य है। योग अभ्यास से जो अनुभूतियां होती है, जो एक्सपीरियंसेस होती है, ये गूंगे की गुड़ के समान होती है और योगी की बुद्धि इतनी सूक्ष्म होती है, प्रज्ञा बुद्धि जागृत होती है, योगी की दृष्टि दिव्य होती है और योगी सबको समभाव से देखता है। योगी हरे के अंदर ईश्वर का नूर देखता है, इसलिए योगी का ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं योग करो, योग करो, योग करो, योग करना करवाना ईश्वर से मिलन का सर्वोत्तम साधन है। आजाम दूंगी और योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी मुल्केश्वर भगवान हमारे प्राणादर सतगुरु स्वामी देवीदास महाराज बारंबार प्रणाम, इन चरणों का बारंबार शुक्राना जिन्होंने योग जैसे इतनी महान अनमोल विद्या का दान हम अबोध बच्चों को दिया और हमें परम की तरफ
दिन प्रतिदिन आगे ले जा रहे हैं। और प्रभु जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अधिक से अधिक शक्ति देना, बुद्धि देना कि हम आप जी के दरबार की, आप जी के चरणों की मन धन से सेवा करते हुए आप जी के ध्यान में रत रहे, आप जी के ध्यान में रत रहते हुए अपने जीवन के कर्तव्य को करते चले जाए जाए। इसके लिए हर पल आप जी के चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं। वो सगुदेव भगवान की।